हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बहनों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में फैमिली सर्वे के रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में फैमिली सर्वे कर रहे हैं और आप लोगों को पता ही होगा कि पोषण ट्रैकर ऐप में फैमिली सर्वे करने के रिगार्डिंग ICDS विभाग के तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया था, जिसमें कि एक डेट अनाउंस किया गया था कि पोषण ट्रैकर ऐप में फैमिली सर्वे जो है वो 15 नवम्बर तक कम्प्लीट कर लेना है। और आज है 15 नवंबर, तो क्या इसका डेट और भी आगे बढ़ेगा या नहीं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और जैसे कि पोषण ट्रैकर ऐप में आप लोग फैमिली सर्वे कर रहे हैं, तो आप लोगों के मन में काफ़ी सारे डाउट्स भी रहते हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में हम लोग जो फैमिली सर्वे कर रहे हैं उसमें दादा दादी का नाम कैसे ऐड करेंगे। मान लीजिए किसी लाभार्थी को हमने फैमिली हेड बना दिया है, तो उस फैमिली हेड को हम लोग डिलीट कैसे करेंगे। तमाम तरह के जो क्वेश्चन है आप लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं, तो चलिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दे देते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को फैमिली सर्वे करनी है, किस प्रकार से दादा दादी का नाम ऐड करना है, फैमिली हेड को हम लोग डिलीट कर सकते हैं या नहीं, सारे चीज़ों को मैं आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में फैमिली सर्वे करने के लिए आपको पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लेना होगा, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक्शन सेंटर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके अंदर यहाँ पे आप लोगों को फैमिली सर्वे का एक मॉड्यूल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जो फैमिली सर्वे की लिस्ट है वो खुल के आ जाएगी। आपने यहाँ पर पहले से फैमिली सर्वे किया हुआ रहेगा तो डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर दिखाई जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग फैमिली सर्वे करने जा रहे हैं, तो फैमिली सर्वे करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, दादा दादी के नाम को हम लोगों को कैसे ऐड करना है। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि किस प्रकार से आप लोग दादा दादी के नाम को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके घर में एक दादा है और एक दादी है, ठीक है। यहाँ पर हम दादा दादी का इमेज बना देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर ये दादा हो गए और ये दादी हो गई, ठीक है। इनके दो बच्चे हैं, जैसे कि इनके दो बच्चे हैं, इनका नाम हम ए रख देते हैं और इनका नाम बी रख देते हैं, ठीक है। यहीं पे बहुत सारी सेविका बहनें जो हैं वो कंफ्यूज हो जाती हैं कि किस प्रकार से हम लोग दादा दादी का नाम को ऐड करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे दो लड़कों का नाम हमने रख लिया, ठीक है। मान लीजिए ए की शादी हो गई है, ठीक है, और बी की शादी अभी नहीं हुई है, ठीक है। ए की शादी अगर हो गई है तो इनकी वाइफ होगी, इनके बच्चे वगैरह होंगे, तो इनकी हम लोग एक अलग कैटेगरी बनाएंगे, ठीक है। और मान लीजिए बी की अभी शादी नहीं हुई है तो इनको हम लोग क्या करेंगे, इनके दादा दादी के साथ हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग, जिनकी शादी हो गई है उनका फैमिली होंगे तो उनको हम लोग एक अलग कैटेगरी बनाएंगे, और जिनकी अभी शादी नहीं हुई है उनको हम लोग दादा दादी के साथ में हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से दादा और दादी के नाम को ऐड करेंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम एक नाम को ऐड करके दिखाते हैं। अब नाम कैसे ऐड करना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बताया गया है पोषण ट्रैकर ऐप में, कि हम लोग को फैमिली सर्वे में लेडीज़ को ही हम लोग को यहाँ पे मुखिया जो है बनाना है, हेड बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ही आप लोग देखेंगे स्टार मार्क लगा हुआ है, और यहाँ पे आप लोग अगर मान लीजिए किसी कारणवश उनके घर में जो फैमिली हेड है, मदर जो है वो डेथ कर चुकी हैं, तो यहाँ पर हम लोग डेड पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को फिर से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फादर का। तो यहाँ पे मदर के अगर आप लोग फैमिली हेड नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे फादर को बना सकते हैं, अगर मदर की यहाँ पे डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे डेथ पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए मदर और फादर दोनों नहीं है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेरेंट्स का जो ऑप्शन है वो खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पेरेंट्स को फैमिली हेड बनाएंगे, दादा या दादी जो भी होंगे, दादी को ही आप लोग फैमिली हेड बनाइएगा, ठीक है। और उनके जो लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हुई है उनको आप लोग उनके साथ ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए दोनों लड़कों का शादी हो चुका है तो सिर्फ हम लोग दादा और दादी को भी हम लोग एक कैटेगरी में रख सकते हैं, दोनों लड़कों की अगर शादी हो चुकी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर उनका जो है फैमिली सर्वे करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर से यहाँ पर बैक कर लेते हैं और यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं। हम लोग यहाँ पर मदर को जो है फैमिली हेड बना रहे हैं तो यहाँ पर मदर पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हमें दो ऑप्शन मिलता है, एक क्रिएट न्यू प्रोफाइल और एक ऐड प्रोफाइल यूजिंग PT, यानी
पोषण ट्रैकर ऐप से ही जो है हम लोग लाभार्थी को ऐड कर सकते हैं, मदर को, जैसे कि मदर को हम लोग फैमिली ऐड बना रहे हैं, जो कि गर्भवती और धात्री जो महिलाएं हैं पोषण ट्रैकर ऐप में पहले से ही रजिस्टर हैं, तो उनको हम लोग यहीं से पिक कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आप जिनको भी यहाँ पर फैमिली ऐड बनाना चाहते हैं, जिन मदर को यहाँ पर फैमिली ऐड बनाना चाहते हैं या जो प्रेग्नेंट महिला है उनको फैमिली ऐड बनाना चाहते हैं, तो यहीं पर आप लोगों को इमेज से समझ लेना होगा कि ये धात्री महिला है, और नीचे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे प्रेग्नेंट वूमेन की जो इमेज है वो दिखाई जाएगी, तो आप लोगों को समझने में यहाँ पे आसानी होगी। मान लीजिए हम यहाँ पे एक माता को जो है हम लोग फैमिली हेड बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अनीता कुमारी, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ भरना नहीं है, सारा कुछ डिटेल पोषण ट्रैकर ऐप से ही यहाँ पर ले लिया जाएगा। यहाँ पर विलेज वार्ड सब जो है यहाँ पर पहले से ही ऐड रहेगा। आपको यहाँ पर करना क्या है, सिर्फ कैटेगरी सिलेक्ट करना है, ये जो कैटेगरी से आती है, किस कैटेगरी से आती है, एससी एसटी और अदर, तो यहाँ पे आप लोग जो भी हो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद रिलीजन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि ये कौन से धर्म से आती है, हिंदू मुस्लिम जो भी हो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है माइनॉरिटी इन द स्टेट, तो यहाँ पर हम लोग नो करेंगे। यहाँ पर रेसिडेंट्स ऑफ द AWC एरिया, जो ये लाभार्थी है आपके आंगनबाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पर हम लोग यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फैमिली हेड जिसको बनाएंगे यहाँ पे सेल्फी रहेगा, यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे ये मैरिड है, तो मैरिड पे आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद मैटरनिटी स्टेटस को आप लोग क्लिक करेंगे, तो आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि हम लोग जो भी लाभार्थी को पिक कर रहे हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन से ले रहे हैं या लैक्टेटिंग मदर से ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री फूड के बारे में पूछा जा रहा है कि जो ये लाभार्थी है इनको ICDS के द्वारा सप्लीमेंट्री फूड दिया जाता है, जो THR होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो यहाँ पे एक लाभार्थी है वो फैमिली हेड में कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारा यहाँ पे फैमिली हेड यहाँ पे बन चुका है। अब इस फैमिली हेड में हम लोग क्या करना है, इनके जो लड़के हैं या लड़की हैं इनका हमें नाम ऐड करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके पहले एक चीज़ आप लोगों को और बता देते हैं, अगर आप लोग फैमिली हेड को डिलीट करना चाहते हैं तो अगर आप लोग फैमिली हेड को यहाँ से अभी चाहते हैं डिलीट कर देना, तो अभी तुरंत यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे इस फैमिली हेड में कोई भी मेंबर ऐड कर देते हैं तो आप लोग यहाँ से फैमिली हेड को डिलीट नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कई सारे कमेंट्स आते हैं कि फैमिली हेड को हम लोग कैसे डिलीट करें, ठीक है। अगर फैमिली हेड में आपने कोई भी मेंबर को ऐड कर दिया है तो उसके बाद आप लोग उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर फैमिली हेड में सिर्फ फैमिली हेड का ही नाम है तो बाद में भी आप लोग इसको डिलीट कर सकते हैं या अभी इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और इनके जो लड़के हैं क्या पोषण ट्रैकर ऐप में रजिस्टर्ड हैं, तो अगर रजिस्टर्ड हैं तो हम लोग यहाँ से उठा सकते हैं बच्चों का नाम। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी बच्चे होंगे यहाँ पे उनका नाम इनके आधार से जो रजिस्टर्ड होगा वो आप लोग को यहाँ पर ऊपर ही शो कर जाएगा। अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ पर सर्च करके जो भी बच्चे का नाम है आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो बच्चे हैं जिनको इनके माता के नाम से जो है आधार वेरीफाई किया गया है, तो इनका यहाँ पर दो नाम दिखा रहा है, दोनों नाम हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक बच्चे के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ सेलेक्ट करना होगा, रिलेशनशिप विथ हेड फैमिली, यानी कि इस फैमिली के साथ इनका क्या रिलेशन है। तो ये डाउटर है तो यहाँ पे हम लोग डाउटर पे क्लिक करेंगे। मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पे हम लोग अदर पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्या इस बच्चे को ICDS के द्वारा सप्लीमेंट्री फूड दिया जाता है, तो यहाँ पर यस करेंगे और सबमिट एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। फैमिली में हमारा जो एक फैमिली मेंबर है उसको हम लोगों ने ऐड कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे इसको डिलीट करने का जो ऑप्शन है वो बाद में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो फैमिली हेड के मेंबर है उनको हम लोग बाद में भी डिलीट कर सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फैमिली हेड के बगल में जो डिलीट वाला ऑप्शन है वो हट चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे फैमिली मेंबर को ऐड कर लिया है, ठीक है। एक और बच्चे का जो नाम है हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरे बच्चे का नाम ऐड करना है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे रिलेशन दिखाना होगा, तो हम लोग यहाँ पे डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे, अदर पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे इनको भी ICDS के द्वारा जो है सप्लीमेंट्री फूड दिया जाता है, तो यस पे क्लिक करेंगे और सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो इनके दो बच्चों का नाम यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इनके हस्बैंड का नाम हमें ऐड करना है, ठीक है। आप हस्बैंड का नाम पहले भी ऐड कर सकते हैं या बाद में भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हस्बैंड का नाम तो पोषण ट्रैकर ऐप में नहीं होगा, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड फैमिली मेंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे,
जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे आधार नंबर, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन, ये सारा कुछ यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे उस हस्बैंड का जो है आधार नंबर यहाँ पे डालना है। और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो चीज़ आप लोग यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे वो आधार के अनुसार ही भरेंगे, ताकि आप लोगों को आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो जो आधार पे डिटेल्स रहेगा वही सारा कुछ यहाँ पे भरना है। आधार नंबर आप लोग यहाँ पे डालेंगे, उनका नाम आधार पे जिस प्रकार से लिखा हुआ होगा उसी को यहाँ पे डालेंगे, जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे मेल, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे जो आधार कार्ड पे दिया रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फैमिली हेड के साथ इनका क्या रिलेशन है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इनका हस्बैंड का नाम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हस्बैंड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पे क्लिक करेंगे, और इनको ICDS के द्वारा कोई भी फूड या सप्लीमेंट नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग नो करेंगे, सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे एक नाम एग्जांपल के तौर पे ऐड करके दिखा देते हैं आप लोगों को। आप लोग आधार के अनुसार ही सारा कुछ भरिएगा, ठीक है, जो भी हो आप लोग यहाँ पे आधार के अनुसार ही भरिएगा, बाद में आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। यहाँ से आप लोग ईयर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हस्बैंड हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, तो एक फैमिली में हमने माता पिता और बच्चों को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने दादा और दादी का नाम ऐड नहीं किया है, क्योंकि यही एक फैमिली होता है जो माता पिता और बच्चे होते हैं। और दादा दादी का नाम, जैसे कि हमने आपको बताया कि दादा दादी का नाम ऐड करने के लिए उनके बच्चे का अगर जो है शादी नहीं हुआ है तो हम लोग उनका नाम ऐड कर सकते हैं उस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग लाभार्थियों का जो नाम है आप लोग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जिस लाभार्थी का फैमिली सर्वे किया है वो नाम यहाँ पे अभी ऐड होके नहीं आया है, सर्वर इश्यू के कारण आप लोगों को ऐसे देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को वेट करना है, और उसके बाद यहाँ पे एक रिफ्रेश का ऑप्शन है, इस पर आप लोगों को क्लिक करते रहना है। वो यहाँ पे देख सकते हैं फैमिली सर्वे में जो भी नाम हमने अभी ऐड किया है यहाँ पे आ चुका है। इस प्रकार से आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में फैमिली सर्वे कर सकते हैं, और पोषण ट्रैकर ऐप में जो डेट को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी कोई भी नहीं जारी किया गया है, अभी डेट और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में सभी लाभार्थियों का, अपने पोषक क्षेत्र के जो भी लाभार्थी हैं उनका आप लोग फैमिली सर्वे कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और फैमिली सर्वे से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।